हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ एंगल बायसेक्टर। सो इसमें आपको टू गिवन लाइंस होंगे, लाइन L1 और लाइन L2, और ये दोनों लाइनें किसी एक कॉमन पॉइंट से पास होकर जा रही होंगी। अब देखिए, अगर यहाँ से ये इसका एंगल है तो इसको बायसेक्ट करते हुए, देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इसको बायसेक्ट करते हुए एक लाइन अगर क्रॉस करेगी तो ये फर्स्ट बायसेक्टर इक्वेशन है। सिमिलरली आप देखेंगे तो ये कोई डिफरेंट एंगल होगा और ये भी कोई डिफरेंट एंगल होगा, और जब ये यहाँ से इसको बायसेक्ट करके लाइन पास होगी तो ये दूसरी लाइन होगी। तो इस प्रकार से आपकी जो मेन लाइन थी वो लाइन थी आपकी L1 और लाइन L2, और ये आपका फर्स्ट बायसेक्टर इक्वेशन आपको मिलेगा B1, किसी को भी फर्स्ट मान लीजिए, और ये बायसेक्टर इक्वेशन B2। तो देखिए, हमें यहाँ पे टू इक्वेशन गिवन होगा, जैसा कि आपके फॉर्मूले में देख रहे हैं, ये हम गिवन होगा और हमें बायसेक्टर इक्वेशन का ये फॉर्मूला ड्राइव करके लाना है। तो हम इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे और फिर हम अगर टू गिवन इक्वेशंस हों तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस इक्वेशन आप बहुत इजीली इन दोनों इक्वेशन B1 और B2 को फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो चलिए इसको ड्राइव कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ रेंडमली मैंने एक इक्वेशन लिया और ये रहा फर्स्ट इक्वेशन और दिस वन इज द सेकंड। अब देखिए, इसको ड्राइव करने का एक बहुत आसान तरीका होता है, ये एंगल बायसेक्टर है तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, हम एक ही कंसेप्ट से इसको ड्राइव कर लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं इस लाइन में, और ये कोई लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। तो देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस परपेंडिकुलर और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, चूंकि ये बायसेक्टर इक्वेशन है इसलिए ये लेंथ और ये लेंथ आप देखिए इक्वल होगा, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल होगा, प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए ये लेंथ आप देखिए। सिमिलरली हम यहाँ से अगर परपेंडिकुलर प्लॉट करें और सेम आप देखेंगे तो यही कॉन्सेप्ट डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से आप ये बायसेक्टर इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। और देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू, में फर्स्ट लाइन जो भी होती है उसमें हम कोऑर्डिनेट पुट करते हैं, और इसका भी डेरिवेटिव ड्राइव किया हुआ है, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। और इसी डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से देखिए बायसेक्टर इक्वेशन ड्राइव हो जाता है। तो इसको एक डिफरेंट पेज पे ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो सपोज हमारे पास ये कोई लाइन है, ये हमारे पास कोई दूसरी लाइन है, और इस लाइन का इक्वेशन मैंने कंसिडर करा L1 का A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन हमने ले लिया यहाँ पे A2x प्लस B2y एंड प्लस C2 और इक्वल्स टू में 0, राइट। और हमने कंसिडर करा ये कोई बायसेक्टर इक्वेशन होगा, इसको किसी दूसरे कलर से हाईलाइट कर लेते हैं, तो लेट ये कोई डिफरेंट बायसेक्टर इक्वेशन है। तो देखिए, हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि बायसेक्टर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जो दोनों तरफ से समान रूप से झुकी हुई है, तो ये डिस्टेंस और डिस्टेंस इक्वल आएगा। तो देखिए, इसका लोकस अगर आप देखें, इन डिस्टेंस का लोकस ये लाइन ही तो बनेगा, आप अगर ध्यान से देखें तो जितने भी आप इक्वल डिस्टेंस के लोकस देखेंगे तो वो ये लाइन ही कहलाएगा। तो चलिए, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, लाइन L1 के लिए हम अगर सॉल्व करें तो AX प्लस BY प्लस C अंडर रूट, हमने इसको A1 कंसिडर करा था, A1 ले लेते हैं, तो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर का डिस्टेंस इक्वल होगा, सेम डिस्टेंस देखिए हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे इस दूसरी लाइन के लिए, सो A2X प्लस B2Y प्लस C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A² प्लस B², आप जानते हैं इनमें मॉड लगता है, तो जब हम मॉड हटाते हैं तो हमको एक प्लस साइन यूज करना पड़ता है और एक माइनस साइन। तो देखिए, बड़ा इजी था, माइनस यहाँ लगा देते हैं, तो बहुत इजी कंसेप्ट था इस इक्वेशन को ड्राइव करना। जब आप प्लस साइन यूज करेंगे तो आपको फर्स्ट बायसेक्टर इक्वेशन मिलेगा, मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है, और जब आप माइनस साइन यूज करेंगे तो आपको ये कोई सेकेंड बायसेक्टर इक्वेशन मिल जाएगा। तो आपको दोनों बायसेक्टर इक्वेशन मिलेंगे, जब आप प्लस साइन लेंगे तो आपको सामने जो इक्वेशन आएगा वो A1X होगा, B1Y होगा प्लस C1
अंडर रूट में ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर एंड प्लस साइन, जब आप यूज करेंगे प्लस साइन कोई चेंज नहीं करता इक्वेशन में, ए टू एक्स बी टू वाई सी टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपको इन दोनों में से कोई ना कोई इक्वेशन मिल जाएगा। और जब आप देखिए माइनस साइन इस्तेमाल करेंगे इस प्लेस पर तो आपको सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप बैसेटर इक्वेशन इस फॉर्मूले से बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब इसका एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए मेरे पास कोई इक्वेशन है, मान लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस का 5 इक्वल्स टू 0, राइट। और सेकंड इक्वेशन हम ले लेते हैं 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और हमें कोई बैसेटर इक्वेशन फाइंड करना है। तो देखिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, अभी हमने डिस्कस करा 2x प्लस 3y प्लस 5 अंडर रूट 2 का स्क्वायर देखिए 4 हो जाएगा और यहाँ से हमको मिल जाएगा 9 इक्वल्स टू प्लस माइनस, और सेकंड इक्वेशन 3x प्लस 4y प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और यहाँ से हमको मिल जाएगा 16। और देखिए हम प्लस साइन लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से तो हमें न्यूमेट एक रूट से वैल्यू 5 मिल जाएगी और ये रूट हमें मिलेगा कितना, रूट 13। हम एक काम कर सकते हैं, इस रूट 13 को भी एक ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जो थोड़ा सा इजीली सॉल्व हो जाए। तो देखिए इसको 12 कर देते हैं और इसको 5 कर देते हैं, इससे फायदा ये होगा कि थोड़ा सा हम रूट से बच जाएंगे। तो देखिए ये हमने 5 कर दिया, अब देखिए ये हो जाएगा 144 और ये प्लस का कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ से 169 मिल जाएगा, 169 13 देता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे मिला आपको 5 और यहाँ से मिला 13, 5 का इसमें इंटू कर देंगे तो 5 पूरा इंटायर इक्वेशन में इंटू हो जाएगा। यहाँ हमने 5 लिया था, ये 5y प्लस का 5 और इक्वल्स टू में प्लस माइनस 13 का इसमें इंटू हो जाएगा और 3x प्लस 4y और प्लस का 2, और यहाँ से आपको एक बार पॉजिटिव साइन लेने पर और एक बार नेगेटिव साइन लेने पर दो इक्वेशन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जब इसके प्लेलिस्ट में क्वेश्चन डाले जाएंगे बड़े डिफरेंट और ट्रिकी क्वेश्चंस, तो आप वहां से इन क्वेश्चंस को डिफरेंट वे में और सॉल्व कर सकते हैं।